1 जुलाई को लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण में स्पीकर ओम बिरला पर जुबानी हमला करते हुए एक आरोप लगा डाला। वो आरोप था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुकने का। राहुल गांधी बोले कि जब आप संवैधानिक पद पर होते हैं तो आपकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं खत्म हो जानी चाहिए। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। चलिए जानते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ बोला और ओम बिरला ने क्या जवाब दिया। पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी क्या बोले। राहुल बोले कि अध्यक्ष महोदय, वास्तव में कुर्सी पर दो लोग बैठे हैं, लोकसभा अध्यक्ष और मिस्टर ओम बिरला। उन्होंने कहा कि जब मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आप सीधे खड़े थे, लेकिन जब पीएम मोदी ने आपसे हाथ मिलाया तो आप झुके और उनसे हाथ मिलाए। इस टिप्पणी से सदन में हंगामा मच गया और गृह मंत्री अमित शाह ने खड़े होकर इसे सभापति का अपमान बताया। राहुल गांधी ने जब इतना बड़ा आरोप लगाया तो बदले में ओम बिरला बोले कि मेरी परंपरा और संस्कृति ने मुझे निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर अपने बड़ों के सम्मान झुकना सिखा है। स्पीकर बोले कि मैंने नियमों का पालन करता हूं। इस हंगामे के बीच राहुल गांधी ने ओम बिरला को उनके पद की याद दिलाई। मैं आपके विचार को सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि सदन में स्पीकर से बड़ा कोई नहीं है। राहुल गांधी बोले कि हम सभी को आपके सामने झुकना चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला से कहा कि उन्हें सदन में किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने 1 जुलाई को ही एक और बयान दिया था, जिसकी वजह से अब खासा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। राहुल बोले थे कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और झूठ बोलते रहते हैं। ये हिंदू है ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सच के साथ खड़ा होना चाहिए और सच से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। राहुल की इस बात पर पीएम मोदी ने आपत्ति जताई तो राहुल गांधी बोले कि मैंने भाजपा को हिंसक कहा। नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अब इस बयान की वजह से जहां राहुल गांधी पर सत्ता पक्ष हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जिनमें राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल है। पायलट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये बीजेपी का ठेका नहीं है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। वहीं प्रियंका गांधी भी सोशल मीडिया पर यही लिखते हुए अपने भाई का समर्थन करती नजर आ रही है। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।